नमस्कार, nishamadulika.com में आपका स्वागत है। आज हम राधा वल्लभी पूरी बनाएंगे। ये उरद दाल स्टफ्ड पूरी हैं। इन्हें संडे को या किसी भी छुट्टी के दिन बनाकर नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो पूरी बनाने के लिए पहले हम दो बनाकर तैयार करेंगे। हमने 2 कप मैदा ले ली है, 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 1 टेबल स्पून तेल। अच्छे तरीके से मिला लेंगे। राधा वल्लभी पूरी को मैदा से बनाया जाता है। अगर आप चाहें तो इसे 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा मिलाकर भी बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा सख्त सॉफ्ट आटा बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने डो लगाकर तैयार कर लिया। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है और एकदम सॉफ्ट भी नहीं है। और इतना डो लगाने में हमने 3/4 कप से थोड़ा सा कम पानी का यूज किया है। इसे ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, हम पूरी के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। पैन गरम कर लेते हैं और इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, 1 छोटी चम्मच सौंफ और ये 1 छोटा सा टुकड़ा जायफल का। मसालों को हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। 2 लाल मिर्च साबुत लिए हैं। लाल मिर्च आप अपनी पसंद के अनुसार ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मसाले का कलर चेंज हो गया है, अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला भुन चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम ठंडा होने देते हैं। मसाले को बारीक पीस लेंगे। ये हमने 1/4 कप उड़द की दाल को धोकर 3-4 घंटे पानी में भिगोकर ले लिया है। इसे हम दरदरा पीस लेंगे। दाल को हमने हल्का दरदरा पीस कर ले लिया है। अब हम दाल को भूनेंगे। पैन में 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। गरम करते हैं। 1/2 पिंच हींग डालेंगे और ये उड़द की दाल डाल देंगे। 1/2 छोटी चम्मच चीनी पाउडर डालेंगे और 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालेंगे और ये पिसा हुआ मसाला। अगर हम पिसा हुआ जीरा पाउडर और सौंफ पाउडर ले रहे हैं तो हींग डालने के बाद वो मसाले डाल देंगे और हल्का सा भून लेंगे। और लाल मिर्ची पाउडर तो अभी डाला ही जा सकता है। ये जो हमने ताज़ा मसाला पीस कर बनाया है, उसकी जगह पिसे मसाले भी लिए जा सकते हैं। दाल को मसालों के साथ मिक्स करते हुए हमने 2 मिनट भून लिया है। पिठी बन के तैयार हो गई है। 20 मिनट हो गए हैं। हमारा आटा भी सेट होकर तैयार हो गया है। हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे, हाथ को चिकना करेंगे और आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे। पूरी के लिए हम आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। राधा वल्लभी पूरी थोड़ी सी बड़ी होती है, 4-5 इंच के व्यास में पूरी बनती है ये, तो आटा उसके हिसाब से थोड़ा सा बड़ा तोड़ेंगे। बिल्कुल 1 नींबू के साइज़ का आटा तोड़ लेंगे। इनके हम गोले बना लेते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इनमें स्टफिंग भरेंगे। पूरी तलने के लिए तेल गरम करने रख देते हैं। 1 लोई उठाएंगे और इस तरीके से उंगली और अंगूठे की सहायता से उसे बड़ा करेंगे। इसको प्याले जैसा शेप दे देंगे और 1.5 या 2 चम्मच स्टफिंग भर लेंगे और आटे को चारों तरफ से उठाकर स्टफिंग को बंद करेंगे। अच्छे तरीके से बंद करेंगे और इसे चपटा कर लेंगे इस तरीके से दबाकर, यानी स्टफिंग आटे के अंदर पूरी तरीके से फैल जाए। आटे को ढककर रख लेते हैं ताकि सूखे ना। चकले पर थोड़ा तेल डालकर इसे चिकना कर लेंगे। ये पूरी को हम बेल लेंगे, हल्के हाथ से बेलेंगे और किनारे को दबाते हुए बेलेंगे। पूरी को 4 से 5 इंच के व्यास में बेलना है, थोड़ा सा मोटा रखना है। ये पूरी हमने बेल कर तैयार कर ली। तेल को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा तेल में डालते हैं। आटा तुरंत सिक कर तैर कर आ रहा है। तेल गरम हो गया है और हमें पूरी तलने के लिए अच्छा गरम तेल चाहिए। पूरी तलने के लिए तेल में डालेंगे। पूरी को थोड़ा थोड़ा दबा कर फुलाएंगे और अब इसे पलट देंगे। पूरी के दोनों ओर हल्का ब्राउन होने तक तलेंगे। एक बार तेल अच्छा गरम हो जाए तो आग हम मीडियम कर लेंगे।
क्योंकि हमारी पूरी थोड़ी सी मोटी है तो हमें दोनों ओर से अच्छा ब्राउन होने तक तलनी है और आग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। पूरी दोनों ओर अच्छी ब्राउन हो गई है और सारी पूरियाँ इसी तरीके से भर कर बेल कर तल कर तैयार करेंगे। सारी पूरियां तलकर हमने तैयार कर ली और इतने डोसे हमने 9 पूरियां बनाकर तैयार की हैं। राधा वल्लभी पूरी को यूपी में बटर की पीठी से भी बनाया जाता है। राधा वल्लभी पूरी सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी पूरी बनी है। इन्हें बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप आटा लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। पूरी भरते समय बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालें, स्टफिंग को पूरी तरीके से बंद करें और आराम से बेलें। पूरी फटनी नहीं चाहिए। तलते समय तेल को चेक कर लें, तेल अच्छा गर्म हो, बाद में आग मीडियम कर दें और पूरी तलकर तैयार करें। आप बहुत अच्छी राधा वल्लभी पूरी बनाकर तैयार करेंगे और इतनी पूरियाँ 3-4 सदस्यों के नाश्ते के लिए पर्याप्त हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।